महाराज यहाँ पर एक और प्रश्न इससे संबंध में आता है, वो है गुरु की पहचान। और आज के समय में गुरु बहुत है, और सही गुरु की पहचान एक व्यक्ति कैसे करे, उनको कैसे ये पता चले कि किस गुरु के पास जाना है, किन गुरु के शरणों में जाके उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए महाराज। अगर ठीक है, अगर आपको गुरु का नहीं पहचान हुआ और बिना पहचान का भी अगर आपने गुरु किया और आपकी श्रद्धा दृढ़ है, जैसा मालूम है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को अर्जुन का गुरु के पास गया दीक्षा लेने को, तो उन्होंने दीक्षा दिया नहीं, वो बोला ये कभी दीक्षा दिएगा तो अपना अर्जुन को मतलब हरा देगा। हाँ जी महाराज। तो उसने गुरु, वो बोला हम गुरु तुम्हारा नहीं बन सकते जी, लेकिन उसका निश्चय था मेरा द्रोणाचार्य मेरा गुरु होना चाहिए। तो उन्होंने घर में जाके वो केला का पत्ता का द्रोण बनाया और एक जगह में रख दिया और उसको ही हमारा गुरु समझा हो, तो उसी के ऊपर श्रद्धा रख के वो अर्जुन से भी 10 गुना आगे बढ़ गए। बाद में श्रद्धा का भी इधर बहुत जरूरी की बात है, श्रद्धा की बहुत बड़ी बात है। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम। महाराज तब भी एक गुरु के कैसे, ये तो शिष्य तो अपने गुरु के की परीक्षा तो ले नहीं पाएगा, तो क्या ऐसा भी है कि गुरु खुद ही बुलाता है शिष्य को, या उसका प्रारब्ध होता है, उसके कर्मों में लिखा होता है कि कौन से गुरु उनके बन सकते हैं? प्रारब्ध भी की भी जरूरी रहती है जी, और उन्हीं के अंदर प्यास कितना है, जिस प्रपोर्शन से प्यास होएगा उसी प्रपोर्शन से उसको अध्यात्म ज्ञान मतलब आत्मा के पहचान होगा।